भाइयों नमस्कार। हम सब लोगों के लिए यह थोड़ा मुश्किल टाइम है। कोरोना होने की वजह से सब काम समय पर हो नहीं पा रहे हैं, पर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने गेहूं की फसल अब तक काट ली होगी और उसको बेचने की तैयारी कर रहे होंगे। फिर भी अब आवश्यक है कि अगली फसल के लिए भी तैयारी की जाए। अगली फसल ज्यादातर लोग इधर इस क्षेत्र में सोयाबीन की लेते हैं, अतः बेहतर यह होगा कि जिन लोगों ने अपने खेत की जुताई, गहरी जुताई पिछले 2-3 साल में नहीं की है, वो इस साल प्रयास करें कि खेत की गहरी जुताई एक बार कर दें इस समय, जिससे कि पूरी गर्मी में उसमें धूप लगती रहे खेत में, जिससे कीड़े बीमारी और खरपतवार में कमी आ जाए। दूसरा, ये अगर गहरी जुताई नहीं कर रहे हैं तो भी जुताई जरूर करके छोड़ दें, तो धूप का जो फायदा मिलता है जमीन में, धूप लगने से 2-3 महीने लगने से जो फायदा मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। दूसरा ये कि आपको ये भी तैयारी कर लेना चाहिए कि अपना बीज देख लेना चाहिए। बीज का जर्मिनेशन टेस्ट देखना भी जरूरी रहता है, पर अभी साफ करके बीज रख लें अगर आपके पास अपना बीज है तो। अगर नहीं है तो व्यवस्था करें कि किससे आपको अच्छे किस्मों का बीज मिल सकता है। उस बीज को जब प्राप्त हो जाए तो जून के महीने में आप उसका जर्मिनेशन टेस्ट या अंकुरण प्रतिशत उसका देख लें। अगर 70% से अधिक अंकुरण प्रतिशत है तो आपका बीज बहुत अच्छा है और उसको अनुशंसित बीज दर के हिसाब से बोनी उस वक्त करें। मैं आपसे समय समय पर फिर से बात करता रहूँगा।